सीट की गहराई बच्चे के बैठने की पोजीशन को मुतासर करती है। हाँ, अगर छोटा बच्चा बालिग शख्स के लिए तैयार करदा किसी सीट पर बैठता है तो बच्चा अपनी टांगें सीट के सामने की जानिब नहीं मोड़ सकता है, जिसका मतलब यह है कि वो सीट पर सुकड़ जाएगा। नतीजतन बच्चे का कमर बेल्ट और गर्दन की जानिब वाला बेल्ट भी ढीला पड़ जाएगा और ऐसे ही खौफनाक चोटें आती हैं। हमें ऐसे सीट बेल्ट की जरूरत है जो कंधे, सीने और हिप के इर्द गिर्द हो। तो मेरा दोस्त हमें यहाँ ये समझने में मदद दे रहा है कि असल में सीट बेल्ट का मकसद क्या है। हमें जिस्म के अंदर मजबूत हड्डियों की जरूरत है। कंधों की, सीने की ढाल और कूल्हे की हड्डियाँ देखें कितनी मजबूत हैं। ये बहुत बड़ी है और यही वो ताकत है जो हमें हादसे की फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने और कीमती अज़ा को बचाने में मदद करती है ताकि बच्चे को बचाया जा सके। जब हादसा होता है तो गोद की पट्टी पेट से टकरा जाती है और तसादुम की पूरी कुव्वत को मुंतकिल करती है, यहाँ तक कि बेल्ट रीढ़ की हड्डी तक पहुँच जाता है और यहाँ रीढ़ की हड्डी में चोटें आती हैं। गर्दन पर सैश की नाकिस पोजीशन के सबब रीढ़ की हड्डी, विंड पाइप और दिमाग में खून की बड़ी बड़ी वेसल्स के जख्मों के साथ जिंदगी को खतरा लाहक होने वाली चोटें पहुँचती हैं। ये भयानक चोटें हैं जो सिर्फ इसलिए पहुँचती हैं कि सीट बेल्ट बच्चे के सही साइज का नहीं था।